गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। तो अब हमारी रिटर्न ट्रिप स्टार्ट हो रही है यहाँ से बिहार टू दिल्ली की, 900 रहने वाली होगी और हम एक ही पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:07 हो रहे हैं, तो बाकी अभी तो अंधेरा ही हो रखा है और ना ही कोई हाईवे ढंग कहेंगे अभी दिखाने लायक। तो फिर हम आपसे मिलेंगे सनराइज़ के टाइम पर, ठीक है? तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो वेलकम बैक गाइस। तो अभी हमने मुजफ्फरपुर क्रॉस किया है और बेसिकली यहाँ से बिहार का बॉर्डर समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर रह रहा है ना। तो अभी हमने अभी तक का डिस्टेंस जो कवर किया ना वो समवेयर अराउंड 160 किलोमीटर कर लिया है। 3 बजे निकले थे, अब 6 बज रहे हैं। तो 3 घंटे में हमने 150 किलोमीटर कवर किए हैं। क्यों? क्योंकि हमने बीच में मुजफ्फरपुर में सीएनजी डलवाई और वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा मान लो, अब 1 घंटा लग गया। तो आप अभी सनराइज एंजॉय करो और सिनेमेटिक्स एंजॉय करो, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब यहाँ से एक लेफ्ट टर्न आएगा जो कि बिहार बॉर्डर की तरफ ले जाएगा हमें, है ना। तो वहाँ से 70-80 किलोमीटर और समवेयर अराउंड रहेगा बिहार का बॉर्डर। और ये मैं यहाँ पर रुका था कि मैं आपको सनराइज़ दिखा दूँ। सनराइज़ देख सकते हो आप जैसे हो रहा है ना। और ये अपनी हाईवे से जाना है, अभी 2-2.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न आएगा। और ये अपनी गाड़ी है, चेक करवाना पड़ेगा एक बार हवा कितनी है और क्या सीन है उसका। चलो मिलते हैं फिर आगे। इसमें आगे पुष्पा भाई जा रहे हैं अपने लाल चंदन की लकड़ी लेके। फिर देख के ऐसा लग रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन चल रहा है अभी, मुझे खुलना जाए। Yeah.
सड़क पे बहुत सारे वीएलसी मीडिया प्लेयर गिर गए भाई, किसी के देख लो किस किसके उठा लो अपने अपने, बहुत सारे गिरे हुए हैं। तेंदुआ टोल प्लाजा, धीरज भाई देख ले तेंदुआ टोल प्लाजा यहाँ पे, यहाँ तेंदुआ आता है। तो है गाइस, अभी बेसिकली बस्ती के आसपास कहीं हूँ और सीएनजी के लिए रुका था, सीएनजी फुल हो गई। अब इतनी सीएनजी है कि हम जो एक्सप्रेस वे लखनऊ वाला वहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। और यहाँ पे यार एक ना एक मेरे को टायर में भी दिक्कत लग रही है यार, यहाँ पे ना कहीं कट मार्क देखा था मैंने, अब पता नहीं वो कैसे आया यार, कट मार्क क्या है वो समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो इस पर दिख नहीं रहा अभी। चलो यानी वे अभी दिखने के साथ नीचे की तरफ गए, ऐसे लाइन सी बन गई थी। तो चलो हम आपसे मिलते हैं लंच के टाइम, मिलते हैं जब लंच वंच करेंगे। और फिलहाल अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे हम आए हैं अभी बस्ती में, तो यहाँ से अप्रॉक्स 3 घंटे 3.25 घंटे लगने चाहिए हमें, 3-3.5 घंटे लगने चाहिए लखनऊ पहुँचने के। तो देखते गाइस, अब हम पहुंच गए हैं श्री राम की नगरी अयोध्या। आप ये देख सकते हैं सरयू नदी, और अगला स्टॉप हमारा होने वाला है एक्सप्रेस वे पे। ये पहले वाले जो फूड किंग प्लाजा है ना, ये पहला वाला जो रेस्ट एरिया होता है लखनऊ एक्सप्रेस वे का, तो वहाँ पहुँच गए और अब सोच रहे हैं यहीं बैठ के खा लेते हैं, ये अपनी गाड़ी लगी हुई यहीं पे, और घर से लाते खाना, तो घर से लाते खाना, तो वही सोच रहा वही खा लूँ, वो मिल बनाया था वो क्या कहते हैं उसे सत्तू की जो पूड़ी होती है वो है वो, आराम से मस्त खाते उसके बाद थोड़ा आधा घंटे यहाँ पर रेस्ट करते हैं। अब आगे यहाँ पे रिलायंस का पेट्रोल पंप तो मेरे को दिख रहा है ना, अब अगर यहाँ पे सीएनजी हुई तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तो अभी सीएनजी कितनी है इसमें गाड़ी में, 1 पॉइंट जो है वो डाउन हो रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा थी गाड़ी की और हम ज़्यादा आए नहीं है, हम 80-90 किलोमीटर आए हैं लास्ट चेंज लगवाने के बाद, बट हाँ क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी तो इस वजह से एवरेज नहीं मिली। One eternity later. तो गाइज ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, आपने बाकी वीडियो देखी होगी ना ट्रैवल की जर्नी की, आपने वीडियो देखी होगी, तो ये नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। तो इसमें बस आपको ये बताना था कि लगभग कॉस्ट क्या है, क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ कराना था, मैंने सीधा घर पहुँच के थक गया था तो मैं सीधे गाड़ी लगा दी थी, तो जो लगभग सीएनजी का कॉस्ट आया था वो अप्रॉक्सीमेट अराउंड 3300 रुपये का आया था सीएनजी का कॉस्ट, क्योंकि थ्रू आउट सीएनजी में ही चली थी, बीच में पेट्रोल चली थी तो पेट्रोल पहले से था गाड़ी में, तो डलवाया था ना स्पेशली, है ना। और जो टोल टैक्स का था, तो मैं टोल का ना जो आपका ब्रेकअप है, वैसे 1975 रुपये लगे टोल टोटल आने के बिहार से दिल्ली आने के, बाकी मैं आपका इसका टोल का ना पूरा ब्रीफ एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब जो सीएनजी का है वो नहीं है, क्योंकि अब हर जगह कैश कार्ड नहीं चलता, तो मैंने बहुत जगह कैश में ही डलवाया सीएनजी, तो लगभग मैंने आपको अप्रोक्सीमेट खुद बता दिया, इस वजह से आपको आप लगा सकते हो अंदाजा कि कितना कॉस्ट आया होगा सीएनजी का। तो ओवरऑल जो हुआ है लगभग आप मान लो 3300 प्लस 1900 लगभग ये हुआ आपका 2000 मान लो आप, तो लगभग 5300-5400 कॉस्ट हो रहा टोटल ओवरऑल गाड़ी का कॉस्ट है। तो आप पता लगा सकते हो कि हम 3 लोग आए थे गाड़ी में, तो हमें एक बंदे के हिसाब से लगा लो आप 1500-1600 रुपये लगे हमें बिहार टू दिल्ली आने के, जो कि एक ट्रेन का चार्ज है 1800 का, 1800 से आओगे तो 1700 रुपये लगते हैं, तो आप एक तरह समझ लो आप 1500-1600
सो मैं आया हूँ परेड पे और अपने हिसाब से आया जहाँ मन किया आप वहाँ रुके, पूरा अपने ट्रैवल इन्जॉय किया अपना, तो ठीक है। तो और इसके बाद आपको जल्दी आपको अलग जर्नी मिलने वाली है, जयपुर गए थे वहाँ की जर्नी मिलने वाली है, तो आप बिल्कुल वो देखें जल्दी, वो भी अपलोड होगी। तो तब तक के लिए बाय।